बिना शादी निकाह करे सेक्स नहीं कर सकते। हाँ अगर कुरान में ये लिखा हो कि बिना शादी के तुम स्लेव के साथ सेक्स नहीं कर सकते, मैं शादी नहीं, अभी के निकाह अभी लिखा हुआ कलमा है, निकाह। पढ़ूंगा। हाँ दिखाओ, हाँ निकाह लिखा हुआ है, निकाह का मतलब क्या होता है? निकाह। शादी। निकाह का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, जो जब हाथ से निकाह करते हो तो शादी वो हाथ से कंट्रैक्ट करते हो। का। हाथ से निकाह, तुम वो सेक्स वाली बात नहीं हो रही उसमें, क्या वो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो बात हो गई? रही है, सेक्स आप अभी आपने कहा की बात निकाह का नहीं हो रही मतलब है। होता है शादी, ठीक है, ये आपके सामने आया, हाँ ये एक क्वेश्चन है, हल निकाहु लईद मलऊन, क्या हाथ के साथ उसके शादी अंदर करना मलऊन है? क्या है ये, इसके अंदर हल निकाहु लईद अल मलऊन, क्या हाथ से शादी मलऊन है, बुरी है, गंदी है? निकाह का मतलब सेक्स भी, वो भी होता है, लेकिन निकाह वहां पर शादी की वर्ड यूज हुआ, वो उसके लिए हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक जो सेकंड होता है, एक ठीक सेकंड, है, सेक्स एक के लिए वर्ड का दो मतलब कैसे हो सकता है और वो भी ऑपोजिट? हो सकता है, बहुत सारे वर्ड है इसके अंदर। ओके, एक लड़की के साथ सेक्स किया आपने बगैर शादी के, उसके लिए भी वर्ड निकाह है, और एक हाथ के साथ आपने सेक्स किया है उसके लिए भी वर्ड निकाह है, और एक आपने लीगल मैरिज किया है उसके लिए भी अबे लफ्ज भाई निकाह हाथ है। के साथ से, अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। भाई निकाह का जो निकाह वर्ड यूज हुआ है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज हुआ है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है मीनिंग निकाह, निकाह का मतलब। और ऐसे ही निकाह जो लॉन्ड्री से किया जाता है वो शादी नहीं कहलाती, वो उसको लॉन्ड्री ही नहीं, बोला जाता है, यही शादी तो कह रहा लड़की। हूं, निकाह का मतलब अभी आपने बोला ना सेक्स है, हाथ से हाथ के साथ शादी कैसे हो सकती है? मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ड्री जो होती है वो लॉन्ड्री यार वर्ड मैंने पानी अभी यूज हुआ है पूछा है कुरान शरीफ के अंदर, निकाह हाथ लॉन्ड्री भी से यूज। कैसे हो सकता है अगर निकाह का मतलब शादी है, और अगर निकाह का मतलब शादी नहीं है सेक्स है, तो सेक्स और शादी एक ही लफ्ज में कैसे बन सकते हैं? हाथ से निकाह कहाँ पर लिखा हुआ है, हाथ से निकाह लिखा हुआ है इसमें, ये सामने लिखा हुआ है, तुम्हें अरबी पढ़नी आती है? मिन सब अदी जकरा हदीसा, ट्रांसलेशन मुझे ट्रांसलेट करनी नहीं आती, लेकिन पहली वो लाइन हल पढ़ो, निकाह, हाँ क्या हुआ इसका मीनिंग क्या होता है? क्या एफिंग करना हाथ के जरिए गलत है, मलून है? मना किया जाता है, वैसे बड़ा बड़ा गुना नहीं है, ये छोटा गुना है। ओके, छोटा गुना है, ठीक है, छोटा छोटा गुना, छोटा गुना जी, छोटा गुना है, छोटा गुना। तो ये छोटा गुना है ना, लड़की के साथ करने में गुना क्यों नहीं है? लड़की के साथ निकाह करके कर सकते, निकाह करके शादी करके कर सकते हैं, अबे उसकी निकाह करके या लॉन्ड्री शादी से शादी करके, करनी निक है। अबे शादी निकाह करके कॉन्ट्रैक्ट निकाह होता है, करते हो या शादी निकाह करके शादी करते हो? निकाह कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद मेहर दी जाती है, मेहर वो कंप्लीट भाई मैरिज मैं की रह कह जाती है। रहा हूं, निकाह करके शादी करते हो या शादी करके निकाह करते हो? बस निकाह होने बाद शादी हो जाती है, मेहर देने के बाद यानी कि एमसीओ एफिंग करने से चाहिए। शादी हो जाती है? भाई दो दो मीनिंग होते हैं इसके, निकाह वर्ड के अलग अलग ये मीनिंग देखो ये होते देखो हैं ये देखो ये देखो यहाँ ये देखो, पर। हल हाँ नकिहुल हाँ यदी मलऊनुन, इज द हैंड कर्स्ड? जी सर, तो मैं निकाह बोलता हूँ करके निकाह शादी वर्ड होती के है या अलग अलग शादी मीनिंग, करके निकाह होती है? निकाह वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है निकाह वर्ड का मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट और निकाह वर्ड का मीनिंग दूसरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब। होता है। मेरा हाँ बच्चा, ये मेरा बच्चा, ये ले ले, क्या हुआ, अबे क्या तो मतलब इसमें है, अब क्या क्या हुआ तो लिखा हुआ? मैरिज लिखा हुआ है तो, मैरिज के अरबी क्या है? लेकिन मैं जवाज ओके, तो निकाह का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हाथ के साथ कंट्रैक्ट मैथ करते हो, भाई निकाह हाथ करेगा के साथ मेहर देगा, कंट्रैक्ट जो करते हो, जैसे हाथ कंप्लीट के साथ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होगा करते हो। हाथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, उसको मास्टरबेशन बोलते हैं ना। निकाह का मीनिंग वो भी होता है जो तुम बता रहे हो, वो हाँ अलग मीनिंग तो है। भाई वही तो कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट और ये दो चीजें कैसे हो सकती हैं एक ही लफ्ज का मतलब? कोई करीब करीब का मतलब होता है ना, दूर दूर के तो नहीं होते? और नहीं तो क्या, इंग्लिश में भी होते हैं दूर दूर की मीनिंग, ओ अरबी में माय, भी होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं, बिल्कुल ओ माय गॉड, ओ माय अलग गॉड। मीनिंग भी होते हैं, साहिल यार, अब जैसे ऐसे तुम बंदों के अभी। साथ आप क्या बात करेंगे जिन जो कह रहे हैं कि ऑपोजिट मीनिंग जो है ना एक ही लफ्ज के हो सकते हैं? अबे ऑपोजिट कब बोला? मैंने बोला एक वर्ड के एक से ये ज्यादा मीनिंग होते ऑपोजिट हैं, है ना, अरे यार ये ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट कहाँ से, कॉन्ट्रैक्ट हाथ वर्ड के में, और साथ निकाह करना एक तरफ मलून हो गया और दूसरी तरफ वो सही भी हो गया, कैसे? हाथ के साथ निकाह जो वर्ड यूज हुआ है वो मास्टरबेशन के लिए यूज हुआ होगा, और दूसरा जो यूज हुआ है वो निकाह कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट। अब फिर समझ वही में बात आई? कर रहे हो आप, फिर वही बात कर रहे हो आप। तुम माँ का दूध पी कर आओ तो क्या तुम असली में माँ का दूध पीने चले जाओगे क्या?
ये कहावत ये होती है क्या ना, एग्जाम्पल था ये भाई? क्या ये स्टूपिड कोई बात भी है। अगर बात तुम एक कह रहे हो कि जैसा माँ गूगल पे डाल के का, चेक कर रहा ये क्या बकवास है यार। है, सारे वर्ड माँ का दूध पी के आया है कि ये कहावत है, और हाथ से मुठ मारना ये कहावत नहीं है, ये एक्चुअल फिजिकल चीज है, दोनों में डिफरेंस है। इनको बराबर एग्जाम्पल देना भी नहीं आता है। मैं इसको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि माँ का दूध पीने असली में चले जाएगा अगर मैं तुम कहावत बताऊंगा तो। अरे ये ये एक तो ऑमलेट अभी कहावत पका, है, लेकिन हाथ से मुठ मारना ये कहावत नहीं होता है, ये फिजिकल होता है, ये एक्चुअल लिटरल मीनिंग होता है यार इसका। हाँ तो ये एक ही चीज को इसी तरीके से समझता है सारी चीजों को। इस्लाम ने स्लेवरी को अबे रोका है, साले इस्लाम खोती के खुर, ने ये निकाह उल्लैद कई यार, हद यार, इसे निकाल वॉर यार, किसी इंसान को ले यार, छोड़। जिवाज जिवाज जो है ना, मोहम्मद ने यूज क्यों नहीं किया? हालांकि मोहम्मद ने कुरान के अंदर वर्ड जगह जगह जौजा, इजवाज, इजवाज और जौजा का लफ्ज अरबी में आया कुरान में कई दफा, लेकिन शादी के लिए जवाज का लफ्ज क्यों नहीं यूज किया? वो इस वजह से यूज नहीं किया कि अरबी के अंदर जिवाज हमेशा दो के दरमियान होता। इस चीज को याद रखिएगा, जिवाज दो के लिए, अरबी जो होती है वो एक दो और मैनी को डिस्टिंग्विश कर सकता है और करता है। जिवाज के लिए जरूरी है सिर्फ और सिर्फ दो, मैरिज हैज टू बी बिटवीन टू। अरबी मोहम्मद ने नहीं बनाई, मोहम्मद से पहले अरबी है, ठीक है? वहां पे शादी का कॉन्सेप्ट हमेशा दो बंदों के दरमियान के शादी के कॉन्सेप्ट को लिया जाता, उसको जवाज कहते थे। मोहम्मद ने जब पॉलीगमी इजाद की तो मोहम्मद अरबी के लफ्ज जिवाज में उस चीज को कंटेन नहीं कर सकता था, तो उसने वर्ड निकाह को यूज किया, सेक्स को। इस्लामिकली सेक्स जो है वही मेन चीज है। आपका कॉन्ट्रैक्ट तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप रात को सेक्स नहीं करते, वलीमा नहीं, आप वलीमे की दावत दी ही सेक्स के बाद जाती है। मोहम्मद ने जब सफैया को घसीट के अपने खेमे में ले गया था तो लोग क्या बाहर कह रहे थे, सही मुस्लिम की हदीस है, लोग बाहर कह रहे थे कि अगर सुबह ये वलीमे की दावत देगा और सफैया को पर्दा कराएगा तो इसने से शादी की है, वरना ये इसकी गुलाम है। लोगों को पता नहीं लग रहा था कि ये आज खेमे में लेके गया है, क्यों ले गया है, किस तरह ले गया है, कैसे ले गया है, एज ए फीमेल स्लेव लेके गया है या एज ए वाइफ लेके गया है। पीपल डिड नॉट नो, वो बाहर कानापूसी कर रहे हैं। तो वलीमे की नेक्स्ट डे उसे दावत दी, ठीक है, लोगों को वलीमे के तौर पे खाना खिलाया और बीवी उसको पर्दा कराया तो पता लगा उसकी बीवी है, वरना वो सीधे से ठोकने ले गया था। इस्लामिकली सेक्स के बगैर आपका वलीमे की दावत भी नहीं होती, और आज भी बहुत सारे इस्लामिक सेक्ट्स ऐसे हैं, हर सेक्ट नहीं करता, क्योंकि अभी एक मुस्लिम आ जाएगा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मेरे मौलवी ने ये कहा, दैट्स बुलशिट। बिल्कुल तुम्हारे मौलवी ने आजकल ये कहा हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन अर्ली ऑर्थोडॉक्स के अंदर वलीमे की दावत अब तक थी नहीं। और अगर आप इस्लामिक कंट्रीज में जाए ना, तो जब शादी के लिए वो दिन डिसाइड होता था ना, तो लड़की से स्पेशली पूछा जाता था उसके पीरियड्स के डेज कब है। और आज भी फैमिलीज के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक फैमिलीज हैं, वो लड़की से वो पूछती हैं कि उसके पीरियड्स के दिन कौन से हैं, ताकि उनके पीरियड के दिन से दूर रखी जाए शादी, ताकि वलीमे की दावत प्रॉपर हो सके। तो निकाह इस वजह से इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में यूज हुआ हुआ है, कुरान के अंदर यूज हुआ हुआ है, क्योंकि मोहम्मद की मजबूरी थी, क्योंकि उसने पॉलीगमी पॉलीगमी अलाउड करनी थी। और निकाह इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अंदर, कुरान के अंदर इंटरचेंजेबली यूज हुआ हुआ है, शादी के लिए भी यूज हुआ हुआ है और प्योर सेक्स के लिए भी यूज हुआ हुआ है, दोनों कामों के लिए वर्ड निकाह ही यूज हुआ हुआ है, ये इंटरचेंजेबल यूज हुआ हुआ है, बिकॉज मोहम्मद के पास अरबी जुबान के अंदर तीसरा लफ्ज ही नहीं है पॉलीगमी के लिए, पॉलीगमाइज्ड मैरिज के लिए, क्योंकि ज़िवाज हैज टू बी बिटवीन टू। आप किसी भी लुगत अरबिया के अंदर जाके देख सकते हैं, किसी भी अरबिक लुगत के अंदर ज़िवाज है ही सिर्फ दो के लिए। So don't leave me alone.